नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब एक बात साफ हो गई है कि हाथरस कांड के पीछे एक बड़ी साजिश थी। इस्लामी चरमपंथी संगठन पीएफआई के चार गुर्गों को पकड़ा गया था जो हाथरस में उत्पात मचाने की जुगत में लगे थे, जिनकी फंडिंग से लेकर ऑपरेशन तक को लेकर जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। जिस तरह से सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान नक्सलियों और जिहादियों का कॉकटेल पकड़ा गया था, उसी तरह से हाथरस के बहाने यूपी को दहलाने की तैयारी भी ये जमात कर चुकी थी। बस कांग्रेस की कमी थी जिसे राहुल और प्रियंका ने पूरा कर दिया। जब से राहुल गांधी मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी वायनाड के सांसद बने हैं, तब से कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा दोनों ही गड़बड़ा गए हैं। क्या हो गया है राहुल जी, ये क्या हाल बना रखा है? अब तक तो आपको बहुत कुछ ले लेना चाहिए था, आप हाथरस केस में दलित कार्ड खेलने में इतना कैसे उलझ गए? क्या किसी ने आपको बताया नहीं कि इस मामले की जांच योगी सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है और सच का सच और झूठ का झूठ जल्द ही पूरी तरह से सामने आ जाएगा। अब सीबीआई जांच से भी अगर आप या आपकी पार्टी संतुष्ट नहीं है तो बताइए, और कौन सी जाँच एजेंसी है जिसे इस मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा जा सके? आप कहें तो ये मामला चीन की किसी एजेंसी को सौंप देते हैं। आपको तो आजकल जिनपिंग पर ज़्यादा भरोसा है ना, और ये जो आपने नया हैशटैग ट्रेंड किया है स्पीकअप फॉर वुमेन सेफ्टी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस हैशटैग की ज़रूरत आखिर क्यों आ गई? आपको निर्भया कांड याद है ना, उस वक्त केंद्र में आप ही की सरकार थी। हजारों की तादाद में युवा विजय चौक पर हर रोज इकट्ठा होते थे और निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगाते थे। इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च निकाले जाते थे, और उस वक्त आप एक बार भी युवाओं के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। उस वक्त तो आपने कभी किसी कैंडल लाइट मार्च में भी हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त तो आपने निर्भया के माता पिता से मिलकर एक बार भी उन्हें गले लगाने की कोशिश नहीं की, तब आप कहाँ थे? किसी ने बताया है कि जब देश के युवा निर्भया के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे, तब आप थाईलैंड में मेडिटेशन कर रहे थे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में मशगूल थे। खैर, यह आपकी निजी जिंदगी है, आप क्या करते हैं क्या नहीं ये आपकी समस्या है, लेकिन तब भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। तब तो आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई मुहिम भी नहीं चलाई, क्योंकि केंद्र में तो आपकी अपनी सरकार थी। लेकिन हाथरस मामले को आप भूलना ही नहीं चाह रहे हैं। वहाँ पर इतना रायता आप फैला चुके हैं कि अब वहाँ की ज़मीनी हकीकत से आंखें मिलाने की हिम्मत भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने आज ट्विटर पर जो वीडियो अपलोड किया है, आज इस वीडियो में उसी पर बात करते हैं। देश भर की महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में ही महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितना मान सम्मान उनका किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या आपने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की नेता तारा यादव की पिटाई का वीडियो देखा है? यूपी में कांग्रेस की नेता तारा यादव की जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, उस पर इस वीडियो में आपने कुछ नहीं कहा। तारा यादव का कसूर क्या था? उन्होंने सिर्फ एक बलात्कारी को, जो कांग्रेस का नेता है मुकुंद भास्कर जिसका नाम है, उसे जल्द होने वाले बायपोल में टिकट दिए जाने का विरोध किया था। और इस बात पर, तारा यादव पर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता टूट पड़े, उसे देखकर तो देश के किसी भी शख्स को शर्म आ जाए। अब पूरे देश में महिलाओं के साथ बलात्कार करने और उन पर अत्याचार करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की वकालत करते फिर रहे हैं, और अपनी ही पार्टी में एक रेपिस्ट को सजा दिलाने की बजाय उसे चुनाव का टिकट थमाकर उसे इनाम दे रहे हैं। ये सब करके आप दरअसल साबित क्या करना चाहते हैं? ऊपर से कांग्रेस के जिन कार्यकर्ताओं ने तारा यादव के साथ मारपिटाई की, उनके खिलाफ आपने क्या किया? तारा यादव के लिए ही दो शब्द आज अपलोड किए गए इस वीडियो में बोल देते। दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने घर को भी दुरुस्त करना पड़ता है। सावन के अंधे तो बहुत देखे और सुने हैं, लेकिन हाथरस के अंधे पहली बार देख रहे हैं, वो भी एक आध नहीं बल्कि पूरा कुनबा ही धृतराष्ट्र बन गया है। पूरी जमात ऐसी है, उसे हाथरस के अलावा पूरे देश में हो रही घटनाएं नजर ही नहीं आ रही हैं। जमीनी हकीकत तो किसी को भी ना दिख रही है ना समझ में आ रही है। राहुल ने आज अपने वीडियो में हाथरस की बात तो की, लेकिन बलरामपुर राजस्थान के बांदा में हुए दो नाबालिगों के बलात्कार की घटना,
24 घंटे में राजस्थान में हुए 16 बलात्कार के मामलों की बात तो की ही नहीं, और तो और वायनाड जिस जगह से राहुल खुद सांसद हैं वहां 50 से ज्यादा रेप की घटनाएं हो चुकी हैं, उनका जिक्र करना भी राहुल ने जरूरी नहीं समझा। हाथरस भी राहुल को इसलिए याद है क्योंकि वहां का जातीय समीकरण उनकी राजनीति के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। देखा जाए तो हाथरस की घटना का उनके दिलो दिमाग पर लग रहा है कि बहुत गहरा असर हो गया है, इतना गहरा कि वो हाथरस से जुड़े हाथ को कांग्रेस का हाथ ही मान चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है और उधर राहुल हैं कि आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वैसे राहुल की बेबसी भी समझी जा सकती है, हाथरस जाकर जो दाव वो खेलना चाहते थे उस पर तो वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना, जो कदम उठा लिया तो उठा लिया, उस पर पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं बनता। बस राहुल भी इसीलिए हाथरस के नाम की बीन बजा रहे हैं। जो रंग उनकी पार्टी के नेता इस घटना को देना चाहते थे उस पर तो पूरी तरह पानी फिर चुका है। रिपब्लिक भारत के स्टिंग ऑपरेशन ने सारी पोल खोल कर रख दी थी कांग्रेस की, लेकिन इसके बावजूद राहुल हैं कि मानते ही नहीं। ताजुब तो इस बात का है कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में योगी सरकार से सवाल पूछा है कि उन्हें पीड़िता के घर जाने से क्यों रोका गया। अब इसे समझने में कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। क्या उन्हें ये नहीं पता कि कोरोना काल में इस तरह से इतने सारे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लेकर आप किसी भी जगह पर नहीं जा सकते, खासकर तब जब इलाके में पहले से ही धारा 144 लगी है। आप पीड़िता के घर जाने की जिद पर अड़े हुए थे, स्थानीय प्रशासन ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, हालांकि आपने वहां पर पुलिस के साथ हाथापाई में घास पर गिरने की नौटंकी भी की। आप भी कमाल के नेता नहीं अभिनेता हैं। वैसे जगह जगह ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि इस देश की सरकार को सबसे पहले कोरोना के खतरे से आपने ही आगाह किया था, तो क्या ये पता नहीं आपको कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ऐसे में जब आप इतने सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जमावड़े के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो क्या आपको ये नज़र नहीं आया कि इस भीड़ में आपके अपने कार्यकर्ता कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे? आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा था। प्रशासन आपको वहां पर जाने से रोक नहीं रहा था, बल्कि आप जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ वहां जाना चाहते थे उस पर प्रशासन को आपत्ति थी। उस वक्त प्रशासन ने आपको 5 लोगों के साथ पीड़िता के घर जाने के लिए कहा था। जब आप हाथरस की तरफ कूच कर रहे थे वो दृश्य भी आपको याद दिला देती हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और NSUI के कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ आप हाथरस जा रहे थे, और तो और आपकी पार्टी के 35 से ज्यादा सांसद भी इस भीड़ का हिस्सा थे। DND फ्लाईओवर पर आपकी पार्टी के संगामे के चलते किस तरह अफरा तफरी का माहौल था वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरे ट्रैफिक को कांग्रेस पार्टी और NSUI के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया था। आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे ना, तो इतने लाव लश्कर की जरूरत क्या थी? इस भीड़ में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता बड़े बड़े प्लेकार्ड और बैनर हवा में लहरा रहे थे। इस भीड़ को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कांग्रेस की कोई रैली निकल रही हो। इस भीड़ को देखकर कतई नहीं लग रहा था कि दर्द में डूबे एक परिवार को सांत्वना देने के लिए आप वहां पर जा रहे थे। पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, हर रोज लाखों की तादाद में केस सामने आ रहे हैं, और आप हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए इतनी सारी भीड़ के साथ रैली की शक्ल में जा रहे थे। समझ में नहीं आता है कि किन लोगों की सलाह पर आजकल आप चल रहे हैं, कौन लोग आपको इस तरह की हरकतें करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना के कितने सारे केसेस हाथरस से सामने आए हैं, मीडिया कर्मी हो, वहां के लोग हो, आपके अपने कार्यकर्ता हो, कितने लोग कोरोना के शिकार हुए हैं, क्या ये आंकड़ा आपको पता है? अब बताइए इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी ये नादानी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इस भीड़ को अपने साथ ले जाकर दरअसल आप क्या साबित करना चाहते थे? राहुल जी, आप एक जिम्मेदार सांसद हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी, हाँ 125 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष भी हैं। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इतने ज्यादा लोगों की जिंदगी दांव पर कैसे लगा सकते हैं? आपको घर जा जाकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का अगर बड़ा शौक है तो बलरामपुर, राजस्थान के बांदा और बाकी 16 इलाकों का चक्कर भी लगा लीजिए। वहां पर भी तो पीड़िताएं भारत की बेटियां हैं,
उन्हें भी तो इंसाफ पाने का हक है। वायनाड के तो आप सांसद हैं, वहां से भी तो हर रोज रेप की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या वहां की महिलाओं को इंसाफ दिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहां जाकर भी इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगा दीजिए। हैशटैग लगाने से या वीडियो बनाने से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की जो बात आप इस वीडियो में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा आप कांग्रेस सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाइए, ताकि वो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में मुस्तैदी दिखाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी समझा दीजिए कि रेप पीड़िताओं के बारे में घटिया बातें करना उन जैसे बुजुर्ग नेता को शोभा नहीं देता। नाबालिग लड़कियां अपनी मर्जी से आरोपियों के साथ गई थी, यही बातें कर रहे थे ना अशोक गहलोत। लगे हाथ करौली में जिस तरह से सरकार और प्रशासन पुजारी को जिंदा जला देने की घटना को आत्महत्या बताने पर आमादा है, तो उन्हें भी समझा दें कि अपराधियों को बचाना राज्य सरकार का काम नहीं होता, सरकार का काम दोषियों को सजा दिलाना होता है। ये भी पूछ लीजिएगा कि पुजारी का अंतिम संस्कार करने की पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी। ये राजधर्म का पाठ जिसका जिक्र आप इस वीडियो में कर रहे थे, जरा गहलोत साहब को भी जरूर पढ़ा दीजिए और महाराष्ट्र की तीन टांग वाली अगाड़ी सरकार को भी समझा दीजिए कि दिशा सालियान भी किसी की बेटी थी, उसके साथ हुए अत्याचार को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोषियों को क्यों बचा रहे हैं? सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को भी उद्धव ठाकरे सरकार क्यों बचा रही है? क्यों ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? बस अपने घर से ही महिलाओं को न्याय दिलाने की मुहिम की शुरुआत कर दीजिए। वैसे भी जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर तो कतई नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।